कर्नाटका का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जो बसवना जी कहते थे नुडिडंटे नडे, मतलब जो कहते हो वो करके दिखाओ। कर्नाटक के इतिहास में लिखा है कि कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के लोग उन्हीं व्यक्तियों का आदर करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को रिस्पेक्ट करते हैं जिनके शब्दों में वजन होता है। आदमी कुछ कह दे उसका मतलब होना चाहिए, और यह कर्नाटका ने पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है। अगर कर्नाटका कुछ कहता है तो वो करने से पहले रुकता नहीं है। मैं आपको दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। चाहे वो एचएएल हो, दुनिया के सबसे अच्छे हवाई जहाज बनाना, बीएचईएल हो, आईआईटी हो, या फिर दुनिया का दूसरा सिलिकॉन वैली हो, ये सब काम कर्नाटका की जनता ने करके दिखाया है और पूरा देश आपकी ओर देखता है। पूरा देश आपकी ओर देखता है, कहता है बसवना का प्रदेश आज क्या कर रहा है, और फिर आप रास्ता दिखाते हो और बाकी प्रदेश आपके पीछे चलते हैं। जब आईटी की बात उठी थी, कंप्यूटर की बात उठी थी, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था। बीजेपी के नेताओं ने उस समय, मैं छोटा था मुझे याद है, बीजेपी के नेताओं ने कहा था हिंदुस्तान में कंप्यूटर कभी नहीं चल सकता है, कंप्यूटर से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, मोबाइल फोन से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, रोजगार खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। मगर कर्नाटका के लोगों ने कहा, बेंगलोर के लोगों ने कहा, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में कंप्यूटर चलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और आपने, आप हिंदुस्तान में नहीं रुके, आप अमेरिका पहुंच गए, आप जापान पहुंच गए, और आज अगर अमेरिका में कंप्यूटर चलता है तो उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में बसवना की सोच है, नुडिडंटे नडे, जो कहते हो करो। अब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, बसवना की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, बसवना को माला पहनाते हैं और फिर अपने भाषण में कहते हैं हर व्यक्ति को मैं बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाऊंगा। नुडिडंटे नडे मोदी जी, कहां है जनता के 15 लाख रुपए? कौन सी जेब में डाल दिया आपने ये 15 लाख रुपए? क्योंकि हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में ये 15 लाख रुपए नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने कहा, ये युवा बैठे हैं यहां पे, आपसे कहा, युवाओं, 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दिलवाऊंगा। युवाओं ने भरोसा किया और 2014 में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, और उन्हीं युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया? बेरोजगारी। 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान को दी। और उसी समय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, स्वयं कहते हैं, कि सब प्रदेशों से ज्यादा कर्नाटक में रोजगार पैदा हुआ है। उनके मंत्री कहते हैं
गडकरी जी कहते हैं महाराष्ट्र में और अमित शाह कहते हैं कि सबसे अच्छी सड़कें हिंदुस्तान में कर्नाटक में बनती हैं। मेरे शब्द नहीं है, अमित शाह के और गडकरी जी के शब्द। नुटी डंटे नडे मोदी जी, आपने रोजगार की बात की नहीं किया, खोखले शब्द। आपने किसानों की मदद करने की बात की, 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने 15 लोगों का, सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर हिंदुस्तान के किसान का आपने 1 रुपया माफ नहीं किया। मैं मोदी जी के ऑफिस में गया और मैंने उनसे स्वयं कहा, मोदी जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपया सबसे अमीर लोगों का माफ किया है, 15 लोग हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आपसे कर्जा माफी चाहते हैं, आप उनके लिए भी कर्जा माफी कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया। अब बात सुनो, मजेदार बात सुनो, मैंने सिद्धरमैया जी को फोन किया और जो सवाल मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा वही सवाल मैंने सिद्धरमैया जी से पूछा। सिद्धरमैया जी, क्या कर्नाटका की सरकार कर्नाटका के किसानों का कर्जा माफ कर सकती है? और 10 दिन के अंदर सिद्धरमैया जी ने 8000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया कर्नाटक में।